दोस्तों, आउटसोर्सिंग को आपने डिटेल से समझ लिया इंपॉर्टेंस ऑफ आउटसोर्सिंग को डिटेल से समझ लिया यूजिंग सॉफ्टवेयर टू ट्रैक प्रोग्रेस यह भी हमने बड़ा डिटेल से समझ लिया अब अगर आउटसोर्सिंग कर ली तो माइलस्टोन्स को डिटरमिन करना बहुत जरूरी एक एग्जांपल जिसको हम लेके चल रहे हैं चार प्रोजेक्ट्स दो आप खुद कर सकते हो दो आपने आउटसोर्स करने है. हमने यही सिनेरियो डिस्कस किया था ना प्रीवियसली इसी सिनेरियो को अभी भी हम डिस्कस करें अरे इन दोनों आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स के लिए व्हेन यू आर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको मद्देनजर रखना है आपने वो ये है कि आप अपनी आउटसोर्स टीम के साथ माइलस्टोन्स डिटरमिन कर लें नहीं समझ आएगी अरे ये सिनेरियो देखते हैं आइए $100 का एक प्रोजेक्ट आपको मिला आप और आपके आउटसोर्स मेंबर के बीच में 50 डॉलर पर डील तय पा गई इसका मतलब आपके पास पचास रुपए रह गए पचास रुपए आपने उनको दे नहीं देने इस पचास रुपए के वैसे मैं रुपए कह रहा हूं होता नहीं है डॉलर ही होता है बट चले हम बात करते हैं इस पचास रुपए के आपने माइस्ट्रोन भी तो डिटरमिन कर रहे ना कि अगर पच्चीस फीसद काम कर लिया तो मैं आपको बीस रुपए दूंगा अगर मजीद पैंतीस फीसद काम कर लिया तो मैं आपको पंद्रह रुपए दूंगा एंड सो फोर्थ पचास के तीन माइल स्टोन वन थर्ड पेमेंट जो है वो आप डिटर्मेंट करते हैं टू थर्ड एंड ऑफकोर्स थ्री आउट ऑफ थ्री दोस्तों ये जो माइल स्टोन है ना ये डिटरमिन करना बहुत जरूरी है इससे चेक एंड बैलेंस रहता है क्योंकि आपको भी पता लगता रहेगा कि आपने अपने एम्प्लॉयर से किस वक्त पेमेंट मांगनी है और आपकी एम्प्लॉयमेंट से पेमेंट और आपकी आगे आउटसोर्स पैनल तक पेमेंट पहुंचने के बीच में कुछ दिनों का गैप होना चाहिए जनाब आपको पैसे मिलेंगे तो हजूर आप आगे पैसे दे सकेंगे ना तो अगर आपको आज की तारीख में वन थर्ड पेमेंट मिल रही है और आपके आउटसोर्स पैनल के साथ वन थर्ड पेमेंट डिटर्मिन हो गई है तो उसको आप दो दिन बाद ही देंगे ये डेट्स पहले से डिसाइड कर लीजिए व्हेन यू आर सिस्टमेटिक देर इज नो प्रॉब्लम मुझे इस मंथ की दो तारीख को क्लाइंट ने वन थर्ड पेमेंट देनी है और मुझे चार तारीख को अपने आउटसोर्स पैनल को वन थर्ड पेमेंट देनी है आपकी वन थर्ड पेमेंट और उसकी वन थर्ड पेमेंट में तो वैसे फर्क है आपको प्रोजेक्ट सौ रुपए का मिला था आप आउटसोर्स टीम को पचास रुपए का आउटसोर्स कर रहे हो आपकी वन थर्ड कुछ और होगी आउटसोर्स पैनल की वन थर्ड कम होगी बट सिस्टमेटिक होने से यह होता है टीम के पास कोई बहाना नहीं रहता कि सर पैसे नहीं दिए सर आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्री नहीं किया आपने मुझसे पूछा नहीं कि आज डेडलाइन है या आज माइल की डेडलाइन है सॉफ्टवेयर यूज करने से बहाना खत्म हो जाता है बिकॉज एवरी थिंग इज सिस्टमेटिक सब कुछ कंप्यूटराइज होता है तो माइल स्टोन सेट करना विद योर आउटसोर्स टीम बहुत जरूरी है ताकि उनको भी कंफर्टेबिलिटी मिले उनको भी सेंस ऑफ रिलैक्स होने का एहसास हो उनको भी अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता हुआ नजर आए कि उनका पैसा खोया नहीं जाएगा लूज नहीं होगा जब आप प्रोजेक्ट विन करते हो फ्रॉम फ्रीलांस मार्केट प्लेस तो आप सबसे पहले एस्क्रो रेस करते हो कि नहीं करते प्रोजेक्ट अवार्ड होने के बाद जैसे कि मैंने आपको सिखाया है इसीलिए सिखाया ना कि आप अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं ताकि एम्प्लॉयर आपका पैसा लेके भाग ना जाए सिमिलरली आपकी आउटसोर्स टीम की भी यही एक्सपेक्टेशंस यही रिक्वायरमेंट है कि उनका पैसा महफूज रहे आप उनका पैसा लेके नौ दो ग्यारह ना हो जाए नौ दो ग्यारह समझते हो ना ऐसे